हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। कभी आजाद बोलेंगे। वाह वाह वाह। मुझे याद आता है कि जब मैं आठवीं नौवीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं, जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो चार मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। के लुटा दे तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे चार मिसरे। के लुटा दे तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। के मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए। लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्योछावर करता हूँ इस अवार्ड पढ़ता हूँ। के मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए।
के मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम खान। एक एक बात पर्दे पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर ऐ आजम खान, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बड़े खूबसूरत दिनों के वादों के साथ एक हुकूमत आई थी साहब। मैं चांद मिश्र पढ़ता हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाई चारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूँ आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं शायद अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं ये सच की फरामोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। अगर सच बोला हो इमरान ने तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे वरना मैं कमजोर पड़ूंगा। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल ये मोदी की खामोशियां कह रही है के लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे।